हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। और बस दिन शुरू हो गया है, मैं आ गई हूँ किचन में और दिव्या को देना है लंच बनाकर। और लंच में मैं क्या बना रही हूँ, लंच में मैं बना रही हूँ छोले। छोले एग्जैक्ट मैंने वैसे कल बनाए थे, लेकिन दिव्यू को छोले पूरी खानी थी, उसने कहा था मम्मा मुझे छोले पूरी देना, तो मैंने बस उसके लिए छोले पूरी की तैयारी कर रही हूँ। तो किचन में अभी सुबह सुबह आई हूँ, तो थोड़ा सा समेटा समेटी चल रही है। और बस अब आप देख सकते हो कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है। तो चलिए गाइस, खाना बनाते बनाते दिव्या का लंच रेडी करते करते मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी, तो वो बात भी कर लेते हैं। मुझसे ना गाइस बहुत दिन से मतलब पूछा जा रहा था कि मैं YouTube कैसे हैंडल करती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, घर संभालती हूँ, छोटा बच्चा है, पढ़ाती हूँ, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होती है, तो YouTube कैसे मैनेज करती हूँ, मेरी एडिटिंग मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो गाइस एडिटिंग वगैरह का ऐसा है, मैंने देखा होगा कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं अपनी वीडियो में वॉइस ओवर देती हूँ। मतलब हाल ही की 2-3 वीडियो देख रहे होंगे आप वॉइस ओवर के साथ। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं जब व्लॉगिंग बनाती हूँ मैं साथ के साथ बात करती रहती हूँ। तो जब मैं व्लॉगिंग बनाती हूँ और साथ के साथ बात करती हूँ तो वो वीडियो एडिट करना मेरे लिए ईजी होता है, बजाय मुझे 1 घंटे बैठ कर जो वॉइस ओवर करनी पड़े उससे ज़्यादा ईजी होता है। व्लॉगिंग के साथ बात करते करते बनाओ तो एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, दूसरा गाइस क्या होता है, मेरे को 2-3 मैं ना, आप लोग जब आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हो तो वर्सटाइल होना पड़ता है। वर्सटाइल एक साथ 2-2, 3-3 चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। और वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मेरे को ऑफिस में लंच टाइम पे टाइम मिल जाता है वॉइस ओवर देने का या थोड़ा बहुत एडिटिंग करने का। मैं अपने टाइम से पहले ऑफिस आती हूँ, सुबह दीपक जी के साथ आना होता है और उनका ऑफिस जल्दी का है और मेरा देर से, तो क्या होता है कि वो मुझे पहले छोड़ देते हैं, तो मुझे 1.5 घंटा वहाँ मिल जाता है एडिटिंग करने का। एंड दूसरा क्या है, मैं दीपक जी मुझे बहुत बाद लेने आते हैं, मेरा ऑफ हो जाता है 6 बजे और दीपक जी मुझे लेने आते हैं 7-7:15, तो 1 घंटा मुझे वहाँ मिलता है एडिटिंग करने का, अपलोड करने का। तो ऐसे करके ना मेरी एडिटिंग बहुत ईजिली हो जाती है, जहाँ मैं कोई और काम नहीं करती, बैठ के मुझे सिर्फ उनका इंतज़ार करना होता है, तो मैं उस टाइम का यूटिलाइज़ करती हूँ एडिटिंग करने में, तो वो ऐसे मैनेज हो जाता है। और मैक्सिमम बहुत कम होता है कि मैं वॉइस ओवर दूँ, तो मैं वॉइस ओवर नहीं देती, मैं ज़्यादातर बोल के व्लॉग बनाती हूँ, तो वो एडिट करना वैसे ही ईजी होता है। दूसरा, आप वर्सटाइल रहिए, एक साथ 2-2, 3-3 काम कीजिए, बोलिए, बात कीजिए, या फिर एक कहीं दिमाग चल रहा है तो हाथ पैर भी साथ चलाइए। कई बार मैं ऐसे करती हूँ, खाना बनाते बनाते भी मेरी एडिटिंग, आपने मेरे किचन में स्पीकर देखा है, रखा हुआ है, तो मैं एडिटिंग भी करती रहती हूँ, बोलती भी रहती हूँ, नेक बेल्ट डाल के रखी रही हूँ, रसोई में खाना बनाते बनाते भी वॉइस ओवर दे देती हूँ, तो कई बार इस तरीके से भी काम मैनेज कर लेती हूँ। और दूसरा, मैं एक बार बताऊँ, मैंने यूट्यूब, मेरा एक शौक है गाइस। जॉब करना आपकी रूटीन में है, आपको वो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, लेकिन एक साइड बाई साइड अपने लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए अगर आपको कुछ करना चाहते हो तो उसमें करने में क्या परेशानी है। यूट्यूब मैंने जो स्टार्ट किया अपने शौक के लिए स्टार्ट किया था। दूसरा, कुछ चीज़ें कई बार मुझे भी परेशान करती हैं, जो ओवर थिंकिंग, मेरा एक नेचर है चीज़ों को ओवर थिंक करने का, उससे भी दूर रहने के लिए मैंने YouTube स्टार्ट किया था। और यही ये मेरी बहुत हेल्प करता है, चीज़ों को मैं ओवरथिंक नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें, अब ऑब्वियसली आप किसी की वाइफ हो, किसी की बहू हो, किसी मदर हो, नंद हो, भाभी हो, सिस्टर हो, जो भी है, बहुत सारे रिलेशन है और उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, और घर के काम में, आपके डेली लाइफ के में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, तो उन सब चीज़ों पे ओवरकम करने के लिए मैं इतना टाइम ही नहीं लगाती कि मैं अपने आप को इतना काम में इन्वॉल्व रखती हूँ, मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं ज़्यादा सोचूं कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, या मैंने किसको क्या बोला, या किसी ने मुझे क्या बोला, क्या कहा, मैं उस चीज़ को ज़्यादा सोच ही नहीं पाती। मेरे को जो भी टाइम मिलता है मैं एडिटिंग करती हूँ या ब्लॉग बनाती रहती हूँ। जो टाइम अगर यहाँ से बचती हूँ तो मैं अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और सबसे ज़्यादा दिव्या के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ, अपनी बेटी को समय देना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। इसी तरीके से मेरा काम जो गाइस वो मैनेज होता है यूट्यूब, और मेरे को हेल्प करता है ओवर थिंकिंग ना करने में। मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देती हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता जब मैं काम में इन्वॉल्व होती हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, या किसने मेरी किससे बुराई करी है, किसने मेरे बारे में क्या कहा,
मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, इतना सोचने का समय ही नहीं मिलता मुझे। फिर कहते रहो जिसको जिसने जो भी कहना है, ऐसा हो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ सामने वाले के साथ नहीं, मेरे साथ भी होती है। मुझे भी कहने वाले अच्छा बोलते हैं, बुरे कहने वाले बुरा भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन बस ये है कि पहले मैं इस चीज़ों को बहुत ओवर रिएक्ट करती थी, बहुत ओवर थिंकिंग करती थी कोई मेरे बारे में। लेकिन आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसको आपके बारे में बुरा सोचना है वो बुरा ही सोचेगा, जिसको आपके बारे में अच्छा सोचना है वो अच्छा ही सोचेगा। आप चाहे लाख उसके लिए कुछ कर लो, चाहे मत करो, उसने वैसे ही सोचना है जैसे उसने आपके बारे में अपनी राय बना रखी है। तो बस दैट्स इट गाइज। मैं इसी तरीके से YouTube चलाती हूँ। YouTube मैंने खोला भी, मतलब चैनल जो ओपन किया था वो इसीलिए किया था कि मैं और काम में बिजी रहूँ, अपने आप को लाइफ में इतना आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, अपनी फैमिली को अपने करियर को बनाने की कोशिश करूँ, और उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ूँ जो लोग मुझे पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, जो सिर्फ मेरी बुराई करना चाहते हैं, जो लोग मुझ में कमी निकालना चाहते हैं। मैं उन लोगों से दूर हो जाऊँ और पूरी तरीके से दूर हो जाऊँ। इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम ब्लॉग बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, जॉब में देती हूँ, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ बिताती हूँ, और अपने बच्चे के साथ बिताती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ आगे की फ्यूचर प्लानिंग करती हूँ। लेकिन बाकी इन सब चीज़ों को नहीं सोचती, क्योंकि दीपक जी बहुत ज़्यादा पहले जो मेरा नेचर था गाइस, अभी 6-7 महीने से पहले से, अब तो मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, उससे पहले से मेरा ऐसा ही नेचर था कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी। वो मेरे बारे में ऐसे ना बोले, मैं उसके लिए भी कुछ कर दूँ, फिर मेरे लिए कोई कुछ ना बोले, मैं सब मुझसे खुश रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई किसी से खुश नहीं होता। जिसको आपके बारे में जो सोचना है वो सोचेगा ही, और आप बस आप इस सब चीज़ों का असर आप पर आएगा, हमारी बॉडी पर आएगा, हम बीमार पड़ेंगे ज़्यादा सोच सोच के, और साथ के साथ परेशान होगा हमारे हस्बैंड और हमारा बच्चा, और बाकी किसी का कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप परेशान होंगे तो सबसे ज़्यादा परेशानी अगर आपकी लाइफ में किसी को किसी से होगी ना, तो वो सिर्फ आपके हस्बैंड को होगी और आपके बच्चे को होगी, क्योंकि वो परेशान होंगे आपके लिए। सो दैट्स इट गाइज। यही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, और ये सारी बातें वॉइस ओवर में ही की जा सकती थी, इसलिए आज मैंने वॉइस ओवर देने का प्लान बनाया कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, और जो बात है कि मैं यूट्यूब कैसे हैंडल करती हूँ, यूट्यूब चैनल मैंने क्यों खोला, मैं इतने सारे काम ऑलरेडी करती हूँ तो ये कैसे मैनेज हो रहा है। तो बस गाइस इसीलिए खोला था, अपने ओवर थिंकिंग के नेचर से दूर होने के लिए। और मैनेज करने का क्या है कि जितना आप काम में इन्वॉल्व रहोगे उतनी आप बेकार की बातें नहीं सोचोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चीज़ों को दोगे, और बाकी सारी चीज़ें गाइस ऑब्वियसली हो जाती हैं मैनेज। लाइफ में 24 घंटे सबको मिलते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे टाटा बिरला है, चाहे कोई भी है, सबको 24 घंटे मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हो, कितना अच्छा बनने में करते हो, कितना लोगों की बुराई करने में, लोगों के बारे में सोचने में। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो आज आपसे बात हो रही है, अब सारा काम करने के बाद मम्मी ये रहे, ठंड बहुत है, सब रजाई में है। एंड आज का रूटीन आपने देख ही लिया, मैंने दूध का दलिया बनाया है, दूध का मीठा दलिया। नाश्ते के लिए शायद पे शायद नमक मिर्च के पराठे जाएंगे और नाश्ता करेंगे। और रूटीन कुछ ऐसा है गाइस कि मुझे आज रूटीन चेकअप के लिए जाना है हॉस्पिटल, तो अभी मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, तो मैं मिलती हूँ आपको रेडी होकर हॉस्पिटल जाते वक्त। ओके, सो गाइस हॉस्पिटल आ गई हूँ, जा रही हूँ अंदर। मेरे बैग से चलो गाइस, फाइल बन गई है, पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। सो गाइस हो गया है काम, मिल रही है डॉक्टर से लिखवाली दवाई। दीपक जी और दीपक जी सारा सामान मेरे बैग में डाल रहे हैं।
यहाँ पर धूप थोड़ी अच्छी आ रही है तो 10 मिनट के लिए हम, मैंने कहा दीपी जी यहाँ खड़े हो जाते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंड लग रही है। एक्चुअली रूटीन चेकअप के लिए जाना था फ्रेंड्स, थोड़ी ना वीजिंग है मेरे को, कफ कफ बोलते हैं ना, छाती जो घर घर करती है तो वो ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरी सांस बहुत फूल रही है उस वजह से, तो मुझे आना था चेकअप के लिए। और डॉक्टर साहब थे नहीं 20 दिन से, जो मैंने आपको मेरे 2-3 दिन के पहले के ब्लॉग में बताया होगा लास्ट वीक के, कि डॉक्टर साहब मेरे हैं नहीं, तो वो 20 दिन के लिए नहीं थे, तो मुझे तभी दिखाना था, पर फिर मैंने दिखाया नहीं था, मैं आज आई हूँ। और बस अभी दवाइयाँ चेंज हुई हैं, 5 दिन के बाद दोबारा बुलाया है। और हाँ जी, बस बीमारियों से सफर कर रहे हैं। अब जा रहे हैं ऑफिस, ऑफिस का टाइम भी हो गया यार, लेट हो गए हैं दीपू जी, बहुत ज्यादा। और दीपक जी ना मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, पता क्या बताती हूँ, ऑफिस पहुंच के बताऊ। सो गाइस, ऑफिस आ चुकी हूँ और सेटअप कर लिया है। बीच में थोड़ा सा मेरा और दीपक जी का झगड़ा हो गया जो मैंने शूट नहीं किया। एक्चुअली वो ना बातों को क्या होता है, बहुत एग्जिजरेट करके बोलते हैं, एग्जिजरेट ही होता है ना, हाँ बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एग्जिजरेट करते हैं उस चीज़ों को, लाइक हाँ बीमारी में बस घूम रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा घर है जो बीमार नहीं है जिस घर में कोई, या कोई परेशानी जिस घर में नहीं है, एवरीवन इज परेशान यार, सबके घर में कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई बीमार है। आज के टाइम में कोई घर ऐसा नहीं छूटा जो बीमारी से बचा हुआ है, जिसके लिए जिसके घर में मेडिसिंस ना चल रही हो, ऐसे परेशान हो जाए, जरा सा भी ना उनको ये हो जाता है कि मतलब बहुत जल्दी वो डाउन हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन को ना बहुत वो ले लेंगे, पैनिक हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आई है, ठीक हो जाएगा। और 2 साल से देख रही हूँ मैं, लास्ट कोरोना के बाद से गाइस ये प्रॉब्लम शुरू हुई है मुझे कोरोना हुआ और उसके बाद ये चीज़ नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शुरू हो गई, मतलब मैं बहुत जल्दी मैं कफ बन जाता है, छाती में बिजिंगनेस शुरू हो जाती है, और जब खांसी में बिजिंगनेस रहती है ना तो मेरे को हर टाइम ये होता है कि सांस फूल रही है। जब वो बिजिंगनेस ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जरा जरा सा चलने में भी या कपड़े पहनने में ऐसे कुछ करने में बहुत ज़्यादा मेरी सांस फूलने लगती है। तो वो अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बिजिंगनेस है, कुछ नहीं है, आप 4 से 5 बार नेबुलाइजर कंटिन्यू करो, और दवाइयाँ कुछ अलग चेंज करके दी हैं और ठीक हो जाएगा अब। बट मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर सिचुएशन आई है उसको बहुत कामली हैंडल करो, क्योंकि जो आया है प्रॉब्लम वो अपने टाइम से ही जाएगा, अब उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको एग्जैगरेट करके जब बोलने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बीमारियों में घड़े गिरे हुए हैं। यार आप लोग हमारा ब्लॉग इसीलिए थोड़ा देखते हो, एंटरटेन होने के लिए देखते हो ना, अब हम भी प्रॉब्लम अगर सारी आपको दिखाने लग जाए तो आप क्या एंटरटेन होगे, कोई यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे या टीवी में क्यों जाता है, वो अपनी लाइफ से फेड अप होकर जाता है कि अब हम कुछ एंजॉय करें लाइफ को। तो अब मैं भी अगर आपको अपनी घर की परेशानियां या अपनी पर्सनल परेशानियां दिखाने लग जाऊँ तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि आप यूट्यूब पे ये सब मत बोला करो, और जब भी मैं कैमरा लाऊंगी ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि मैं कैमरे को फिर ऑफ कर देती हूँ कि रहने दो, आप मत बोलो भाई, कुछ भी मत बोलो आप। और बस मैं और दीपक जी थोड़ा सा अपोजिट हैं नेचर में एक दूसरे से, तो वो तो दिख जाता है नेचर में, क्या दिखने में भी अपोजिट है। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट बिलो जो मैंने कहा है उसको प्लीज़ कमेंट करना, मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ प्लीज़ बताना, ओके। और दैट्स इट, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में, और आने वाला ब्लॉग अच्छा होने वाला है, ओके, बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ है इसमें ओपन नहीं करूँगी बट कुछ है, ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय 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 बाय।